हे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम समवन। और आज का दिन बहुत स्पेशल है, मैं बताती हूँ क्यों। आप लोग अगर मेरा मैंगलोर ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी जाके कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही फेमस मूवी जो आज कल बहुत ज़्यादा चर्चित है, विच इज़ कश्मीर फाइल्स, देखने गई थी। और वहाँ पर मैंने बोला था कि वो मूवी मैं देखूँगी बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कश्मीरी पंडित। और मैंगलोर में मैंने हालांकि वो मेरी दोस्त के साथ देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे था कि ये मूवी मुझे मेरे फ्रेंड के साथ देखनी है जो एक्चुअली में वहाँ पर था जब ये सब इंसिडेंट हुआ था। इनकी फैमिली वहाँ पर थी एंड ही इज़ कश्मीरी पंडित, तो वो शायद ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकता है। मैं उसके साथ ये मूवी देख के उसका रियल यू नो लाइक एक फीडबैक, नॉट फीडबैक बट आई वॉन्ट टू कैप्चर हिज मोमेंट कि हाउ इज़ फीलिंग एंड ये कैसा है। तो ही इज़ विद मी राइट नाउ, मेरा हाथी जैसा दोस्त आशीष कॉल। और तो टाइटल से समझ गए हैं कि ही इज कश्मीरी पंडित। तो तुझे कैसा लग रहा है आज मेरे साथ मूवी देखने जा रहा है तू? आई एम एंक्शियस बिकॉज बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सारे किस्से सुने हैं, ना सिर्फ अपने माँ बाप से बल्कि अपने जाने पहचाने वालों से भी। तो अभी तक सिर्फ वो जहन में नहीं है, उनको कभी मैं पिक्चराइज नहीं कर पाया, बस सुना है और कभी बहुत मतलब एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल है कि कितने भयानक चीज़ें हमारे साथ हुई थी या मैंने सुनी थी। और मैं ये समझता हूँ कि मैं उन शायद चंद किस्मत वालों में से हूँ जिनके साथ ये नहीं हुआ और आज हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं उन्हीं कहानियों को, आप ये समझ लीजिए कि उन्हीं कहानियों को मैं तस्वीरों में देखने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। या मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था, आपने देखा उस ब्लॉग में उस क्राइंग, बहुत सालों बाद एक ऐसी मूवी देखी जहाँ पर मेरे आंसू खुद ब खुद निकले। इंटरवल तक मैंने अपने आप को बहुत होल्ड किया था लेकिन एंड में जाके आई वाज टू इमोशनल। तो आज मैं आशीष के साथ देखूंगी और आप लोग के साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मे बी इसके पास ज़्यादा फैक्ट्स होंगे बताने के लिए, आई एम एक्साइटेड टू नो। आंटी ने मुझे कुछ बताए थे बट अभी मैं इसके साथ जा रही, तो हम लोग ने अभी कैब बुक करी है, हम लोग की शो है। सो स्टे ट्यून गाइज और हमारे साथ बने रहे मूवी विच इज़ कश्मीर फाइल्स। सो गाइज स्टे ट्यून। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग पहुँच गए एम एस मॉल लेकिन हम डेढ़ घंटा पहले पहुँचे। हम कुछ खाएंगे, हमें भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो नहीं, ये शायद थोड़ा गलत बोल रही है कि हम कुछ खाएंगे, ये समझ लीजिए अब हम खाएंगे। सो
तो 1 अप्रैल से गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये कहती है कि हमें मास्क पे अब कोई फाइन नहीं है. यू आर नॉट सपोज, आई मीन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग एनी मास्क कहीं पर भी पब्लिक प्लेसेस में या फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं हो तो आपको कोई फाइन नहीं होगा. इसका मतलब ये कि आप नहीं भी पहन सकते हो. सो आई बिलीव कि कोविड इज़ नॉट ओवर येट. अपनी यू नो जान की सुरक्षा अपने हाथों में ही है. प्लीज़ वेयर मास्क एंड सुरक्षित, मतलब व्हाट यू कॉल इन हिंदी में, सेफ एंड सुरक्षा के साथ घूमें, सेहतमंद रहे, सुरक्षित रहे. देखिए एक बहुत अजीब सी बात है, जब तक गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगाती, जब तक गवर्नमेंट किसी चीज़ पे फाइन नहीं लगाती, तब तक हम इसको अपने लिए ज़रूरी नहीं समझते. हाँ. तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें रास्ते पे लाने के लिए हमेशा डंडे के ज़ोर पे लाया जाए. तो जैसे कि अभी हम मॉल में घूम रहे हैं और हमें पता चला कि अब मास्क मैंडेटरी नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है. तो ये देख के बड़ा अजीब लगा कि कोविड गया तो नहीं, कम ज़रूर हुआ है, गया तो नहीं. तो यही अपील है आप लोगों से कि समझदार बनिए और अपनी सेहत, अपनी जान का ख्याल रखिए. उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं, थोड़ी इनकन्वीनियंस झेली जा सकती है पर ज़िंदगी बार बार नहीं आती. तो गाइज स्टे सेफ, वेयर योर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कीजिए, घूमने जाइए, लेकिन आप अपने जान के ऊपर कुछ नहीं है. सो गाइज प्लीज वेयर मास्क. कैसा लगा अब तक? फ्यूचर में भी मेरी बॉडी और फैंस का प्यार. कैसी लगी फर्स्ट हाफ कश्मीरी पंडित? आशीष कॉल ने ये मूवी बिल्कुल चुपचाप देखी, बिना साउंड निकाले. इज लाइक वॉचिंग दिस मूवी चुपचाप एकदम. सो आशीष, हाउ वाज द मूवी? तुम्हारा फीडबैक क्या है इसमें? या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स शोन व्हिच मैंने जो पढ़ा, मतलब पढ़ा क्या, सुना, देखा नहीं, अभी तक सुना था. okay. लोगों से और अपने बड़ों से कि ये चीज़ें हुई हैं, पर ऐसा लगा जैसे वी जस्ट सॉ द पार्ट वन. बट या वी हैव सीन. एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँ मैं कि हमने बहुत सारे वो वीडियोस देखे हैं, वो क्लिप्स देखे हैं कि मूवी से बाहर निकल के लोग कुछ नारेबाजी और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मैं नहीं करनी चाहिए. तो मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरी फैमिली ने खुद फॉलो किया कि कश्मीरी पंडित कभी ज़मीन पे नहीं लगे. कश्मीरी पंडित ने कभी सरकारी ग्रांट या सरकार से कोई आरक्षण की मांग भी नहीं की. तो हम लोग एक जेनोसाइड जैसे दिखाया, यस इट इज़ ट्रू. एक एक्सोडस हुआ, ये भी सच है. और ये भी सच है कि फिर हम लोग उठ खड़े हुए. और उसका एक वजह ये है कि जितने भी हम कश्मीरी परिवार थे, उन लोगों ने हथियार उठा के बदला लेने की बात नहीं की. उन्होंने एक चीज़ पे जोर दिया, वो थी अगले नस्ल की पढ़ाई. जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब उतने
रिसोर्सेज नहीं थे, उतनी ताकत नहीं थी हमारे पास कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा टेंशन ये होता था कि स्टेट बोर्ड जो कि उस टाइम पे गुजरात में था, तो उस वक्त उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा खींचेगा और क्या कहते हैं वो कभी कश्मीर को वापस नहीं देख पाएंगे। तो मेरी मम्मी का एक हमेशा कंसर्न रहता था कि अगर ये स्टेट बोर्ड से पढ़ गया तो ये कश्मीर वापस जाके सेंट्रल बोर्ड में कैसे एडजस्ट करेगा। तो उस वक्त इन्होंने ये तक फैसला कर लिया था कि शायद हम एक वक्त खाना खा लेंगे लेकिन इसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। वहाँ पे एक ही स्कूल था, एक मिशनरी स्कूल विच वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। और तो यहाँ एक्चुअली कश्मीरी पंडित की असली ताकत यहाँ है कि जो इस मूवी में एक चीज़ बार बार दिखाई गई है शारदा, सो दैट हैज़ बीन द पावर ऑफ कश्मीरी पंडित्स कि आप बंदूक उठा के अपना फ्यूचर रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इल्म, अपना नॉलेज, एजुकेशन, इसने कश्मीरी पंडितों को बचाया है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत कुछ दिखाया है इस मूवी में जो आज तक कभी नहीं दिखाया, अच्छी बात है। बहुत कुछ रह गया है तो वो शायद एक ही मूवी में नहीं दिखा सकते। तो ये सब फिल्मों में अभी बहुत कुछ नहीं दिखाया है, बट क्योंकि मे बी चलिए एक अच्छी शुरुआत है कि टाइम लिमिट फॉर अ मूवी, तो शायद सब कुछ एक साथ नहीं दिखा सकते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई है। चलिए कुछ तो शुरू हुआ। मैं बस इतना ही लोगों से कहूँगा कि देखिए व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पर मत जाइए। अगर आपको सच में कश्मीर के बारे में जानना है तो एक आदत डालिए पढ़ने की, पढ़ने की वो चीज़ें जो शायद आपने कभी नहीं देखी, शायद इस पिक्चर में भी नहीं सुनी कि कैसे पुंछ में लोग उठ खड़े हुए थे जो पाकिस्तान का पुंछ था, कैसे दिल्ली समझौता हुआ। तो ये चीज़ें आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं सीख सकते। बट ओवरऑल मैंने आज भी पहली बार क्या कहते हैं ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने पहली बार आज भी को बिल्कुल चुपचाप मूवी देखते हुए देखा, मैंने चुपचाप, यू आर लाइक वेरी क्वाइट, और मैं तो लास्ट सीन देखना नहीं चाहती थी। बट एनीवेज इट वाज द ओवरऑल अ वेरी गुड डे वॉचिंग अ मूवी विद कश्मीरी पंडित, कश्मीरी फाइल्स, इट वॉज अमेजिंग। सो हम अभी अपने घर जाएंगे और इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। सो गाइज डू वॉच दिस मूवी। Yeah, she is putting a lot of effort in her videos. देखो इस मूवी को, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं वीडियोज़। तो जितना आपका सपोर्ट मिलता है, जितना आपका समर्थन मिलेगा, उतना आगे हम जा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना हो सके कीजिए और इन्जॉय भी कीजिए वीडियो को। ऐसा कोई भी कॉन्टेंट नहीं है जिसमें आप इन्जॉय नहीं कर पाओ। और अगर कोई भी फीडबैक है मेरे लिए तो वो भी प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में दो। So guys, thank you and stay safe. Mask पहन लेना तुम भी।